नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको आलू की एक सब्जी सिखाने जा रही हूँ। ये बंगाल में बहुत ही फेमस सब्जी है, आलू पोस्तो। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए पहले मुझे चाहिए आलू छोटे कटे हुए, मैंने यहाँ पे दो छोटा आलू काट के रखा है। फिर है प्याज, यहाँ पे एक बड़े प्याज को छोटा काट के रखा है। फिर लगेगा एक चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वादानुसार, मूंगफली। आप देख सकते हो मूंगफली एक मूठ मैंने ले लिया है। ये है खसखस दो बड़ा चम्मच, ये है कलौंजी, और मुझे चाहिए टमाटर आधा छोटा कटा हुआ, और कच्चे पके मिर्ची हरे और लाल में। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आप एक सूखा ग्राइंडिंग जार ले लो मिक्सी का, फिर एकदम सूखा होना चाहिए, एकदम पानी नहीं होना चाहिए। अभी इसमें एक खसखस जो है ये मैं डाल दूँगी। खसखस को ग्राइंड कर लेंगे दो मिनट के लिए। तो चलिए कर लेते हैं। आप देख सकते हो खसखस जो है वो एकदम अच्छे से पीस गया है, ठीक है। अभी इसके अंदर ही हम लोग मूंगफली जो आधा बाउल लिया था वो डाल देंगे। देख सकते हो अभी इसको भी ग्राइंड करके रख देंगे। तो चलिए कर लेते हैं। और एक बात बताना चाहती हूँ, ये जो मूंगफली है ये रोस्टेड नहीं है, इसको मैंने 2 से 3 घंटा पानी में भिगो के रखा था, फिर इसका छिलका निकाल दिया था। तो चलिए अभी पेस्ट बना लेते हैं। अभी आप देख सकते हो 2 से 3 मिनट बाद ये जो पेस्ट है बहुत ही अच्छे से बन गया है। पेस्ट बनाते टाइम अगर आपको लगे कि सूखा हो रहा है तो आप 2 चम्मच पानी डाल के फिर से पेस्ट बना सकते हो। तो ये आप देख सकते हो ये ऐसा पेस्ट बन गया है। अभी चलिए बनाते हैं। अभी एक बड़ा कढ़ाई लेके इसमें 3 बड़े चम्मच सरसों की ऑयल डाल दिया है। अभी इसको गरम करेंगे, आंच को थोड़ा बढ़ा के रखिएगा। डालेंगे 1 छोटा चम्मच कलौंजी, डालेंगे छोटा आलू कटा हुआ, या फिर अभी डालेंगे 1 बड़ा प्याज कटे हुए, अभी डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया है। अभी इसको अच्छे से मिक्स करके फ्राई करेंगे, हल्का लाल होने तक फ्राई करना है। अभी थोड़ा सा ढक्कन 2 मिनट के लिए बंद करके रखते हैं, आलू बॉयल हो जाएगा। और आज को आप मीडियम फ्लेम में रखना। ढक्कन खोल रहे हैं, अभी आप देख सकते हो आलू थोड़ा सा नरम हो गया है। तो अभी आप देख सकते हो प्याज और आलू जो है लाल लाल कलर, हल्का लाल कलर अच्छे से आ गया है। अभी डालेंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, मिक्स करके फिर से थोड़ा सा फ्राई करना है। अभी डालेंगे टमाटर आधा कटा हुआ और लाल और हरी मिर्च कटा हुआ। मैंने 2 छोटा साइज आलू यहाँ पे लेके बना रहे हैं, तो इसके हिसाब से सारे इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी है। अभी डालेंगे खसखस और मूंगफली का पेस्ट जो मैंने पहले ही बना के रखा था। इसको आलू के साथ अच्छे से मिक्स करके फ्राई करना है, अच्छे से पकाइएगा, मसाला कच्चापन नहीं रहेगा। हमारे इस रेसिपी में ट्विस्ट यही है कि मूंगफली का जो पेस्ट है वो हम लोगों ने खसखस के साथ डाला है। अगर आपके पास मूंगफली नहीं है तो खसखस से भी बना सकते हो। अभी 1 छोटा बाउल पानी डाल देंगे इसमें। मैं यहाँ पे 4 जन के लिए बना रही हूँ, देख सकते हो। अभी इसको ढक्कन बंद कर देंगे और 7 मिनट तक आलू को पकाने के लिए छोड़ देंगे।
ढक्कन बंद कर दिया और आंच को भी इस टाइम मीडियम कर दिया। अभी ढक्कन खोलेंगे। अभी चेक करना है कि आलू पका है कि नहीं। अभी चेक करेंगे आलू पका है कि नहीं। आप देख सकते हो चम्मच की सहायता से आलू को तोड़ के देखना पड़ेगा। तो हाँ ये पक गया है। थोड़ा सा सुखाना है इसको, आंच को थोड़ा बढ़ा के अभी इसको सुखाएंगे, ड्राई करेंगे। ये आप देख सकते हो ये पक रहा है, इसको और सूखना चाहिए। अभी आप देख सकते हो सब्जी जो है अच्छे से सूख गया है। ये ड्राई ही अच्छा लगता है। अभी मैंने गैस बंद कर दिया है। अभी मैंने इसको सर्विंग प्लेट में निकाल के रख दिया है। ये बहुत ही यम्मी एक डिश है और आप ये घर पे बनाइए। इसके चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, सबके साथ ही खा सकते हो। बना के मुझे बताइए कैसा लगा कमेंट करके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।